नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज दिनांक 6 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और इस वीडियो का PDF लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, ADB का नया अध्यक्ष कौन बनेगा? हु विल बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ADB? इसका सही उत्तर है मात्सुगु अस्कवा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सर्व सम्मानित से मात्सुगु अस्कवा को अपना नया अध्यक्ष चुना है। वह वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार नियुक्त हैं, जो 17 जनवरी 2020 को ADB के 10वें अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। वह ताको ही को नकाव का स्थान लेंगे, जो 16 जनवरी 2020 को पद से सेवानिवृत्त होंगे। ADB की स्थापना 1996 में हुई थी, जिसमें 68 सदस्य देशों का समूह है, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। तो ADB का नया अध्यक्ष कौन बनेंगे? हु विल बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ADB? इसका सही उत्तर है मात्सुगु अस्कवा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन हैं? हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस? इसका सही उत्तर है पृथ्वी सिंह, जिनका पूरा नाम है पृथ्वी सिंह रूपन। मॉरिशस की संसद ने एकमत सम्मति से इन्हें अपने द्वीप राष्ट्र के सबसे बड़े औपचारिक पद राष्ट्रपति के लिए चुना है। यह देश के पूर्व कला और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। मॉरिशस में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती और उसे देश में संविधान का संरक्षक माना जाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वेयर वाज द पृथ्वी 2 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली? सही उत्तर है ओडिशा। भारत ने ओडिशा के तट पर देश में निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान ने चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से मोबाइल लॉन्चर से 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण किया। लगभग 4600 kg वजनी मिसाइल 500 से 1000 kg वारहेड ले जाने में सक्षम है और ड्यूल इंजन तकनीक इसे बेहतर बनाती है। पृथ्वी 2 9 मीटर लंबी सिंगल स्टर्ज तरल ईंधन वाली पहली मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया। इस मिसाइल का पहली बार परीक्षण 27 अगस्त 1996 को किया गया था। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो बताइए, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के कौन से चरण की शुरुआत की है? विच फेज ऑफ उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हैज बीन स्टार्टेड? इसका सही उत्तर है चौथी उड़ान कनेक्टिविटी योजना स्टार्ट की गई है। सरकार ने देश के दुर्गम और क्षेत्रीय इलाकों में संपर्क और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे चरण की शुरुआत की है। इस चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, प्रायद्वीपों पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का विषय है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य
मौजूदा हवाई पहियों और हवाई अड्डों को फिर से बहाल कर उन क्षेत्रों में विमान संपर्क उपलब्ध कराना है जहां से सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या उनकी उपलब्धता कम है। उड़ान योजना नागरिक उड़ान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो आप बताइएगा, सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के कौन से चरण की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है चौथी। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने कौन सी विधेयक पारित की है? विच बिल हैज द पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड? इसका सही उत्तर है SPG। इस विधेयक में केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार जो उनके साथ आधिकारिक निवास में रहते हैं को SPG सुरक्षा देने का प्रावधान है। यह सुविधा प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी भी विशेष व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। उनसे भी यह सुरक्षा प्रधानमंत्री पद से हटने के 5 साल बाद वापस ले ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार संशोधित शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SPG अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाना था। इससे पहले सुरक्षा समूह अधिनियम को साल 1991, साल 1994, साल 1999 और साल 2003 में संशोधित किया जा चुका है। तो बताइएगा, हाल ही में संसद ने कौन सी विधेयक पारित की है? सही उत्तर है SPG। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, भारतीय पोषण गान का अनावरण किसने किया? हु अनवील द इंडियन न्यूट्रिशनल एंथम? इसका सही उत्तर है वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आपको बता दें, इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के सभी कोनों के लिए भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का संदेश देना। यह एंथम केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित किया गया था और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी द्वारा लिखित और शंकर महादेवन द्वारा गाया गया था। चलते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मैनी गोल्ड मेडल वॉन बाय इंडियन इन साउथ एशियन गेम्स? इसका सही उत्तर है 10। जो एथलीट वॉलीबॉल शूटिंग एंड टेबल टेनिस में जीते गए हैं। बता दें, अर्चना श्रीनिवासन जो 100 मीटर ट्रैक फील्ड में और एम जसना जो हाई जंप में, सर्वेश अनिल कुसरे मेन हाई जंप में, अजय कुमार 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीते हैं। इस कार्यक्रम के पहले दिन ही इंडिया ने 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए थे। साउथ एशिया गेम्स का आयोजन नेपाल के काठमांडू शहर में 1 से 10 दिसंबर के बीच किया गया है। चलते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की तरफ। एडीबी किस राज्य के विकास के लिए ऋण स्वीकृत किया? एडीबी अप्रूव्ड अ लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट? सही उत्तर है तमिलनाडु। यह लोन तमिलनाडु के 5 शहरों के वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए किया गया है, जिसमें $206 मिलियन का लोन पारित किया गया है। केंद्र और एडीबी के बीच समझौता इस लोन के लिए केंद्र और एडीबी के बीच समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत अर्बन पीपल को वाटर सप्लाई और सैनिटेशन और बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे। चलते हैं आज के नौवें क्वेश्चन की तरफ। आज का नौवां क्वेश्चन है, किस शहर ने 2020 के राष्ट्रीय सिख खेलों की मेजबानी करेगा? विच सिटी होस्ट 2020 नेशनल सिख गेम्स? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली 2020 नेशनल सिख गेम्स का आयोजन करेगा, जिसका आयोजन जनवरी 2020 में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, जिसमें 10 राज्यों से 2500 खिलाड़ी शामिल होंगे, जो 3 दिनों तक का यह कार्यक्रम 9 से 11 जनवरी 2020 तक चलेगा। इस इवेंट का आयोजन दिल्ली के फिलेट्रोपिक जाप सेवा ट्रस्ट और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा।
चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के राजा और रानी ने मुंबई का दौरा किया? विच कंट्री किंग एंड क्वीन विजिटेड मुंबई रिसेंटली? इसका सही उत्तर है स्वीडेन। किंग कार्ल्स गस्टव और क्वीन सिल्वा रेनॉन्ट जो 4 दिसंबर को मुंबई में आए, दोनों ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के साथ लंच किया। दोनों ने वर्सोवा में बीच क्लीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके साथ यूएन अर्थ चैंपियन अफरोज शाह भी शामिल हुए थे। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? इन विच स्टेट डिड बाली यात्रा फेस्टिवल बिगिन? इसका पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है गुजरात। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।